Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. C++ के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम डिस्कस करेंगे C++ बूलियंस को। प्रोग्रामिंग में आपको एक ऐसी डेटा टाइप की जरूरत होती है जो सिर्फ दो ही वैल्यूज को स्टोर करे, जैसे यस नो, ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स। इन्हें कहा जाता है बूलियन वैल्यूज। तो C++ प्रोग्रामिंग में बूलियन वैल्यूज को स्टोर करने के लिए बूल डेटा टाइप को यूज करते हैं। बूल डेटा टाइप सिर्फ दो ही वैल्यूज को स्टोर करती है, ट्रू या फॉल्स। अगर आप चैनल पर पहली मल्टीपा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के आइकन पर क्लिक करके और के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, एक्स एंड वाई, जिनकी डेटा टाइप है बूल। एक्स वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे ट्रू और वाई वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे फॉल्स। अब x और y की वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे, एंडल का यूज करेंगे ताकि y की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। c और y रिटर्न 0। प्रोग्राम को सेव करने के बाद रन करेंगे, ट्रू वैल्यू रिटर्न करती है 1 और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करती है 0। तो बूल डेटा टाइप को यूज करके आप सिर्फ दो ही वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हैं, ट्रू या फॉल्स, और आउटपुट में भी आपको सिर्फ दो ही वैल्यूज रिटर्न होंगी, 1 या 0। नेक्स्ट है बूलियन एक्सप्रेशन। ऐसे एक्सप्रेशन भी बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, जैसे 1 या 0। तो ऐसे एक्सप्रेशन को कहा जाता है बूलियन एक्सप्रेशन। तो C++ के कुछ बूलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। दो इंटीजर वेरिएबल्स हैं x एंड y, दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे ग्रेटर देन ऑपरेटर का। सी आउट x इज ग्रेटर देन y, ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है क्योंकि बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा 1 या 0। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो 1 रिटर्न होगा और अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो 0 रिटर्न होगा। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। 1 रिटर्न हुआ है क्योंकि एक्सप्रेशन ट्रू है, x इज ग्रेटर देन y। अभी वेरिएबल्स को कंपेयर किया है, आप सिंपली वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हैं। n इज ग्रेटर देन 5, आउटपुट इज 1। तो इसको वहां से वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हैं। एक और बूलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। एक इंटीजर वेरिएबल है x, x वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करेंगे। सी आउट x इक्वल टू 5, रिटर्न 0। अगर x इक्वल टू 5 है तो 1 रिटर्न होगा और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स है तो 0 रिटर्न होगा। प्रोग्राम को सेव करने के बाद रन करके देखते हैं, 1 रिटर्न हुआ है क्योंकि x इज इक्वल टू 5। आप सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू 10, 0 रिटर्न हुआ है क्योंकि एक्सप्रेशन फॉल्स है, 5 इज नॉट इक्वल टू 10। तो बूलियन वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स। C++ में बुलियन वैल्यू को स्टोर करने के लिए बूल डेटा टाइप का यूज करते हैं और ऐसे एक्सप्रेशंस जो बुलियन वैल्यू रिटर्न करें उन्हें कहा जाता है बुलियन एक्सप्रेशंस। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।